नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। यह केवल एक ट्रेलर है, असली खेल तो दुनिया उस वक्त देखेगी जब कोरोना वायरस से निजात मिल जाएगी। केवल अमेरिका या यूरोप ही नहीं, ऐसे बहुत से मुल्क हैं जो भविष्य में होने वाले संघर्ष के लिए अभी से खुद को तैयार कर रहे हैं। यह तो तय हो चुका है कि यह संघर्ष दक्षिण एशिया में ही लड़ा जाएगा, मगर इसकी शुरुआत अमेरिका, यूरोप, जापान या जर्मनी ही नहीं करेंगे। इस पर अफ्रीका ने भी अब अपनी उपस्थिति सबको चौंका दिया है। कल तक पश्चिमी देश ही चीन पर आग बबूला हो रहे थे, खासतौर से अमेरिका सबसे ज्यादा आक्रामक था, पर अब यह आंच पूरे अफ्रीका महाद्वीप में फैल गई है, जहां चीन के खिलाफ एक ऐसा रणक्षेत्र तैयार हो रहा है जिसमें चीन पूरी तरह चकनाचूर हो जाएगा। अफ्रीका में चीन के खिलाफ न सिर्फ चिंगारी सुलग चुकी है, बल्कि वहां मौजूद चीनियों से हाथापाई में बेताशा वर्दी भी हुई है। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं, इन सभी देश में चीन के प्रति गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ चुका है। स्थानीय लोग कोरोना वायरस के लिए चीन को जिम्मेवार मान रहे हैं। 25 अप्रैल तक अफ्रीकी देशों में 29,917 मामले सामने आ चुके हैं, यहां 1,360 लोगों की जान गई है। सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में इजिप्ट है, जहां 4,319 केस है। दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका है, जहां अब तक 4,220 केस सामने आ चुके हैं। यह तादाद अब हर हफ्ते 3 गुना तेजी से बढ़ रही है। चीन के विरुद्ध उठती आवाज अब एकजुटता में बदल गई है। सभी अफ्रीकी देश अब चीन की ओर से मुहैया कराए गए फंडों और उसके निवेशों के फायदे नुकसान का बारीकी से आकलन कर रहे हैं। तंजानिया ने तो 2 कदम आगे बढ़कर चीन पर जबरदस्त एक्शन किया है। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मैगुफली ने $10 बिलियन के चीनी कर्ज के समझौते को रद्द कर दिया है। तंजानिया की ओर से यह चीन को एक बड़ा झटका है। चीन इस घटना के पीछे भारत का हाथ मान रहा है, मगर उसने भारत पर सीधा आरोप नहीं लगाया है। कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रहे स्थानीय लोगों की यह मांग कामयाब होती दिख रही है, जिसमें उन्होंने चीन के साथ सभी आर्थिक संबंधों को खत्म करने की बात की है। यानी अमेरिका से पहले अफ्रीका चीन के खिलाफ मैदान में उतर चुका है। अफ्रीकी देशों में उपजे चीन के प्रति गुस्से से चीन लगभग घुटनों पर आ जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में चीन का भारी निवेश है, वहां चीन ने $2 ट्रिलियन का निवेश किया है। वहां जिस तरह से माहौल बना है उससे चीन की सारी परियोजनाएं अधर में रह जाएगी, जिससे चीनी अर्थव्यवस्था की कमर टूट सकती है। चीन का आरोप है कि अमेरिका की CIA उसके खिलाफ दुनिया भर में अभियान चला रही है ताकि आर्थिक रूप से चीन को चोट पहुंचाई जा सके। पिछले एक हफ्ते से स्थानीय लोगों की चीनियों के साथ संघर्ष की घटनाएं काफी तेजी से बढ़ी हैं। वे चीनियों के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने लगे हैं और उन्हें देश छोड़ने के लिए धमकाया जा रहा है। यदि मामला इसी तरह बिगड़ता रहा तो चीन और अफ्रीकी देशों के कारोबारी रिश्ते को गहरा आघात लग सकता है। अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार और कारोबारी रिश्तों को बनाने में चीन का दशकों का समय लगा था। साल 2019 में चीन और अफ्रीकी देशों के बीच $208 अरब का कारोबार हुआ है। चीन ने यहां पर कई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं भी चला रखी है, जिसे उसने चाइनीज डेबिट ट्रैप डिप्लोमेसी का नाम दिया है। इन देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप करने में चीन सबसे बड़ा निवेशक है। अफ्रीकी देश चीन को कच्चा माल और खनिज का निर्यात करते हैं। इनमें से कई देश अपना ज्यादातर कारोबार चीन के साथ कर रहे थे। खास बात यह है कि पूरे अफ्रीका महाद्वीप में इस समय 10,000 से ज्यादा चीनी कंपनियां सक्रिय हैं। एक अनुमान के मुताबिक अफ्रीका के 15% मुल्क चीन के कर्ज जाल में फंसे हुए हैं। वैसे अमेरिका ने बहुत पहले ही इन देशों को आगाह किया था, मगर अब स्थानीय जनता ने सामने आकर बिगुल बजा दिया है। इसमें कोरोना वायरस ने आग में घी का काम किया है। अफ्रीकी देशों में फैली यह महामारी यहां भारी तबाही मचा सकती है। यहां अशिक्षा और गरीबी की वजह से लोगों में जागरूकता का काफी अभाव है, पर वे इतना जरूर समझ चुके हैं कि ये वायरस चीनी श्रमिक ही अफ्रीका में लेकर आए हैं, इसलिए चीनी नागरिकों की यहां हर रोज ठुकाई हो रही है। पिछले हफ्ते ही एक चीनी को ऊपर पहुंचा दिया गया, जिससे चीन और अफ्रीका के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि चीन के बाद भारत अफ्रीका का दूसरा बड़ा सहयोगी है। इन देशों में भारत के प्रति सम्मान का भाव है, परंतु चीन ने यहां जिस तरह अंधाधुंध कर्ज का वितरण किया उससे चीन की स्थिति यहां काफी मजबूत है। पर बावजूद इसके भारत का प्रभुत्व बढ़ने की आशंका भी चीन को काफी परेशान कर रही है। यही वजह है कि तंजानिया के मामले का आरोप चीन अब भारत पर मढ़ रहा है। पर सच्चाई यही है कि चीन की बर्बादी का अध्याय का पृष्ठ खुल चुका है
और इस अध्याय को खुद चीन ने ही अपने हाथों से लिखा है, जिसका नतीजा भी उसे ही भुगतना जरूर होगा, या यूं कहे कि उसकी शुरुआत हो गई है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।